एक रन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक रन से बंदे की सेंचुरी हो जाती है। ऐसा ही हाल हुआ मोहम्मद हफीज का। मोहम्मद हफीज जिन्होंने 99 रन बनाए, बहुत ही उम्दा किस्म की इनिंग खेली, कमाल की मैं कहता हूँ इनिंग थी। ये वो हैं मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान टीम का ऐसा बोझ उठाया जैसे किसी के घर में सारी बहनों का एक भाई होता है, उसने पूरा बोझ उठाया होता है। इसी तरह मोहम्मद हफीज ने भी पूरी टीम का बोझ उठाया। हमारा T20 हमारा T20 टेस्ट मैच कुछ ऐसा ही चल रहा था पाकिस्तान की इनिंग में। पहले 6 ओवरों में ऐसा लग रहा है कोई टेस्ट मैच खेलने आए हुए हैं। T20 का रिव्यू करेंगे जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान था। आज हुआ न्यूजीलैंड ने सिंगल हैंडली इजीली मैच जीत लिया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो इनिंग के बारे में, पहले पाकिस्तान की इनिंग के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के फिर बैटिंग का फैसला किया और कोई चेंजिंग भी नहीं थी। वाह, और न्यूजीलैंड टीम ने इतनी ज़्यादा चेंजेस कर दी और खास तौर पर डफी को निकाल दी जो कि मैन ऑफ द मैच है। और पाकिस्तान में देख लीजिए जिसको 50 रन भी पड़े हैं, वहाब रियाज उसको नहीं निकाला, किसी कोई चेंजिंग नहीं की। क्या मेंटली मैनेजमेंट इनकी समझ नहीं आती, क्या कर क्या रहे हैं। ये बात स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की इनिंग के बारे में। सबसे पहले जी तो ओपनर है जी मोहम्मद रिजवान बहुत, साथ में आए थे जी हैदर अली जो कि उभरते हुए नौजवान है। इनके कहते हैं जी ये बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा, लेकिन क्या घटा बैट्समैन बना है। चलते स्टार्ट से ही पाकिस्तान की टीम मुश्किल से दो चार रही, बहुत ही मुश्किल जो था पाकिस्तान। बैटिंग विकेट पे भी इनको थड़े पे भी खिला देना तो ये फिर भी आउट होकर चले जाएंगे। ऐसी ही पाकिस्तान टीम बन चुकी है। बैटिंग साइड में 200-250 वाली विकेट थी जो कि इन्होंने 163 रन बनाए। तो बात स्टार्ट करते हैं मोहम्मद रिजवान, हैदर अली ओपनर आए थे तो आते साथ ही जो साउथी ने फड़काया जी हैदर अली को और मोहम्मद रिजवान दूसरे एंड से लगे रहे। नीचे आके अब्दुल्ला शफीक भी पुल शॉट खेलते हैं, वो भी लगे गए साथ। शदाब खान ये भी फेल हुए। कैप्टन इनिंग में पहले मैच में कैप्टन इनिंग खेली थी और इस मैच में कुछ भी नहीं किया। तो उस पर सिर्फ जो थे मोहम्मद हफीज क्रीज पे टिके हुए थे। पाकिस्तान के पहले पावर प्ले में ही 4 आउट हो चुके थे और सारी नज़रें मोहम्मद हफीज पे थी। मोहम्मद हफीज ने कमाल की इनिंग करी, 99 रन बनाए 57 बॉलों पर और जिसमें 10 चौके और 5 छक्के उमदा किस्म के शामिल थे। साथ में खुशदिल शाह जो कैर उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी 50 रन की, लेकिन उन्हें कोई इनका किरदार नहीं है खुशदिल शाह का, सिर्फ मोहम्मद हफीज ने पार्टनरशिप में सारा साथ दिया था। खुशदिल शाह ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को खुश करेंगे, लेकिन इन्हें खुश करके चले गए, 14 रन पर आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान ने 20 ओवर में 163 रन बनाए जिनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे, 164 रन का टारगेट मिला था। तो बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड बॉलिंग की, तो टिम साउथी ने चारों खाने चिट किया और टीम साउथी ने कमाल की बॉलिंग की, 4 ओवर कराए, 21 रन दी और 4 विकेटें चटकाई पाकिस्तान के लिए। और अब बारी थी जी न्यूजीलैंड बैटिंग की। न्यूजीलैंड बैटिंग की तरफ से ओपनिंग करने आई थी मार्टिन गुप्टिल और टिम सेफर्ड। मार्टिन गुप्टिल ने आते साथ ही जो पहले 4 ओवरों में इन्होंने 35 रन बना डाले थे, कमाल के आते साथ ही शुरू हो गए थे। 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी लगाया मार्टिन गुप्टिल ने। और फहीम अशरफ बेन स्टोक थे जिन्होंने मार्टिन गुप्टिल की विकेट निकाली। कुछ आसरा हुआ कि चलो कोई विकेट निकलेगी आगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केन विलियमसन को इतना बड़ा चांस दिया शुरू में ही, हारिस रौफ की बॉल पे कैच निकला था स्लिप पे, तो मोहम्मद रिजवान मोहम्मद भी एक दूसरे को देते कौन पकड़ेगा। दोनों एक दूसरे शक्ले लग रहे थे लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा। इस तरह जो थे ये दोनों लगे रहे और एंड तक मैच। ये होती है जी कैप्टन इनिंग और ये होती है टीम। टिम सेफर्ड ने 84 रन बनाए और जिसमें 8 चौके 3 छक्के शामिल थे। केन विलियमसन ने 50 मारी, 57 रन बनाए 42 बॉल पर। इस तरह न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान के हाथों से ये मैच निकल गया। और शुरू से ही पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तानी किस्मत ऐसे सोई जिस तरह बाबर आजम की किस्मत सो गई। और ये देखें जी T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। अब शदाब खान को कैप्टन बनाया जी, कैप्टनिंग करेगा, घटा कैप्टनिंग किया, कुछ भी नहीं किया, ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ फ़र्क, बिल्कुल घटिया तरीन किस्म की बॉलिंग, कोई परफॉर्मेंस नहीं। शाहीन शाह, हारिस रौफ, फहीम अशरफ कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कोई बॉलिंग कोई विकेट निकालने की कोशिश भी की कुछ भी नहीं किया। तो ये था जी पहले दूसरे T20 का रिव्यू जो कि सीरीज़ जो है अब न्यूजीलैंड जीत चुका है 2-0 सीरीज आराम से। एक टेस्ट T20 रह गया, मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड वो भी रहे, क्लीन स्वीप पड़े इनको पता चले। और ये मिसबाहुल अकबर, यूनुस खान, ये समझ से बाहर ये करके आने, सिर्फ पैसे खा रहे हैं तीनों बैठ के, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और पाकिस्तान नंबर 1 टीम जब का मिसबा साहब आए हैं, इन्होंने आके पाकिस्तान को 6 नंबर पर खेल दिया। मुझे लग रहा है कि आने वाले एक साल के अंदर ये 12वें-13वें नंबर पर चली जाएगी पाकिस्तान की टीम अगर यही हालत रही। तो जी पहले T20 दूसरे T20 का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करें। टेक केयर, बाय।